हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने चैनल पर, जो कि हमारा चैनल है जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, उसको पूरा हम कवरअप करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं डालूं, ठीक है, तो आपको इसका न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इनका व्यक्तित्व रहा और बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंसान थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जो हैं वो आधुनिक भारत के, अगर हम देखें, तो विचारकों में से एक थे, ठीक है। वो एक, अगर हम देखें, थिंकर्स में से, मॉडर्न इंडिया के एक थिंकर थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर। उनकी जो सोच थी वो स्वतंत्रता, मानवीय समानता, लोकतंत्र और सामाजिक राजनीतिक मुक्ति के मुद्दों के लिए बात करती थी, यानी कि एक तरीके से जो सेंट्रली थी, कंसर्न करती थी किसके इशूज़ पे, फ्रीडम, ह्यूमन इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और सोशियो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत अगर हम देखें तो बहुत एक यूनिक व्यक्ति थे, दुनिया के यूनिक विचारक थे, जिन्होंने अपने खुद के बचपन से बहुत ज़्यादा अपमान सहा था, गरीबी तो थी ही और साथ साथ सामाजिक कलंक का सामना भी उन्होंने किया था, फिर भी वो महान शैक्षिक और दार्शनिक ऊंचाइयों तक पहुँचे। इन सारी जो अपमान थे, ठीक है, और बहुत सारे जो इनको देखिए, इनके जो ये भी खुद एक छोटी जाति के थे, नीची जाति के थे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ों का, एक तरह से बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग से, इनके चाइल्डहुड से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस की थी, उसके बाद ये फिर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान बने, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। वे क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने लोकतंत्र में महान विश्वास और समाज में नैतिक आधार का प्रदर्शन किया था, ठीक है। जो हमारे एम के गांधी थे, ठीक है, गांधी जी, इनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इनमें ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रमुख आलोचकों में से एक थे, ठीक है। मतलब बुराई करते थे इनकी, और देखिए, उन्होंने भारत में जो नागरिक और राजनीतिक संस्थान थे, ठीक है, राजनीतिक और नागरिक संस्थान थे, उनका निर्माण किया था, और साथ ही लोगों को जो अपमानित और गुलाम बनाने वाली विचारधारा थी और संस्थान थे, इंस्टीट्यूशंस भी थे, ठीक है, आइडियोलॉजीज भी थी, उनको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा आपको फ्रेंड्स। उन्होंने देखिए अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों, कानून और संवैधानिक इतिहास और धर्म और जो इन थॉडोलॉजिकल कठोरता और संवेदनशीलता के साथ बड़े बड़े उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए थे, ठीक है, मेजर स्टडी की थी इकोनॉमी की, तो ठीक है। और उन्होंने देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे वो, और उन्होंने विद्वानों के सटीक और निरंतर तर्कों के साथ इसके प्रमुख प्रावधानों का इन्होंने बचाव किया। और अगर हम देखें तो एक ही समय में उन्होंने आदर्शों की दृष्टि में खोए बिना जमीन पर मजबूती से उसको पकड़ लिया था, यानी कि इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे चेंजेस की जरूरत थी, क्योंकि वो बहुत सारे बुरी प्रथाओं से भरा हुआ था, बुरे संस्कृति से भरा हुआ था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और आधुनिक और सामाजिक रूप से मुक्ति के आग्रह का जवाब देने के लिए अपने हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और भारत में पुनरुत्थान का मार्ग भी क्या किया था, प्रशस्त किया था। अब देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म, थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में इनकी जान लेते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र में अछूत महार जाति में हुआ था, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना, कौन सी जाति के थे, महार जाति के, और अस्पृश्यता का कलंक के कारण, क्योंकि ये नीची जाति के थे, इसी वजह से इन्हें अनटचेबिलिटी जो थी, एक तरीके से उन्हें स्टार्टिंग से झेलनी पड़ी थी, ठीक है। अस्पृश्यता के कलंक के कारण उन्हें बचपन में, साथ ही बाप ने बाद के जीवन में सभी प्रकार के सामाजिक अपमान भी झेलने पड़े थे, ठीक है। और देखिए, क्लासरूम में बाकी छात्रों के साथ बैठने की इन्हें अनुमति नहीं थी और स्कूल में केवल अपने हैंडपंप में पानी भी इनको नहीं मिलता था, यहाँ पर लिख रहा है पानी पीना था, एक तरीके से नहीं था, जब वहाँ पर देखिए नो चपरासी नो वाटर, एक अच्छा सा एक वाक्यांश है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना,
नो चपरासी नो वाटर, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके अंदर एक कहानी ये है कि जब भी कोई चपरासी, जब भी जिस दिन कोई चपरासी नहीं आता था तो इनको प्यासा घर जाना पड़ता था, बिकॉज़ कि इन्हें अनुमति नहीं थी हैंडपम्प को छूने की। जितने भी ऊंची जाति के लोग थे वो हैंडपम्प छू सकते थे, उन्हें बिल्कुल एक तरीके से वो लोग उनको बिल्कुल मतलब एक तरीके से उन्हें मनाही थी, ठीक है। और ऊपर से ऊंची जातियों के सदस्य द्वारा ये मतलब ये चीज़ें दी गई थी एक तरीके से कि छोटी जाति के जो लोग हैं उन्हें एक तरीके से हैंडपम्प नहीं, हैंडपम्प से वो पानी नहीं पी सकते, उनके लिए चपरासी और दूर से उन्हें पानी पिलाएगा, ठीक है। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्यासे ही घर जाते थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए, संस्कृत भाषा सीखने से उन्हें इनकार था। इट मीन्स दैट कि आप मैंने पंडिता रमाबाई जब आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि पंडिता रमाबाई, ठीक है, तो उन्होंने, उनके जो फादर थे उन्होंने बड़े समाज से विरुद्ध जाकर, क्योंकि ब्राह्मण समाज में क्या था कि ब्राह्मण जो औरतें थीं उन्हें भी संस्कृति सीखने पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, तो बाकियों को भी नहीं था, नीची जाति वालों को भी नहीं था। इन सभी बाधाओं के बावजूद भी उन्होंने, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, और वहाँ से, और ये कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है वहाँ से अपनी पीएचडी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना। अब देखिए, अमेरिका और यूरोप में उदारवादी और कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रभावित था, इसीलिए वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका विचार जो उभरे थे, और अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो संघर्ष था, भारत में जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के उनके संकल्प की मदद की, और भारत के अंदर जो फैली हुई थी छुआछूत जाति प्रथा, इनका भी गहरा संबंध था इन सब चीज़ों से। और उसी समय अगर हम देखें दोस्तों, तो उन्होंने औपनिवेशवाद और भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक जीवन, इन सब के प्रभाव की जांच भी की थी, ठीक है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और वित्त में उन्हें एमए शोध प्रबंध, ठीक है, एमए शोध प्रबंध, यहाँ पर उनके पीएचडी कोलंबिया, जैसे कि मैंने बताया कोलंबिया विश्वविद्यालय से करते हैं, और साथ ही इन्होंने एक इनकी इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स थी, ठीक है। तो देखिए, भारत में वित्तीय वित्त के विकास पर थीसिस, ठीक है, डीएस रुपए की समस्या पर शोध, ये इनकी बुकों के नाम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में प्रांतीय वित्त के विकास पर थीसिस, ठीक है, दूसरी बुक है इनकी रुपए की समस्या पर शोध, ठीक है, और इसका मूल और समाधान, और तीसरी बुक जो है वो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और राजनीति के विश्लेषण के अंदर औपनिवेशिक विरोध आर्थिक विचारों के लिए शानदार इनका योगदान भी था, ठीक है। तो देखिए देखिए, इनका मूल और समाधान और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और राजनीति का विश्लेषण, ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट, देखिए जो मैंने बताई हैं ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने, मैंने आपको बताया था कोलंबिया विश्वविद्यालय से, ये कोलंबिया से अपनी पीएचडी पूरी करते हैं, और फिर बाद में वहाँ से जब पीएचडी करके लौटते हैं तब ये बड़ौदा महाराजा के प्रशासन की सेवा करने के लिए लौटे, और अमेरिका में अपनी शिक्षा को प्रायोजित भी किया था इन्होंने, ठीक है, स्पॉन्सर्ड किया था हिस एजुकेशन इन अमेरिका। उसके बाद देखिए, असाधारण योग्यता के बाद भी बड़ौदा प्रशासन की असफलता दशा झेलना पड़ा, उन्हें अपनी सेवा छोड़ दी, और कुछ समय के लिए सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बॉम्बे में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर वो रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उन्होंने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में पहले साउथ बोरो समिति के समक्ष एक प्रतिनिधित्व किया, और दबे कुचले वर्गों के लिए उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व का अनुरोध भी किया था, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आप। क्योंकि देखिए, उन्होंने अछूत और निम्न जातियों और समुदाय को वो बहुत स्टार्टिंग से उन्होंने जाना था, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे, और उन्होंने जनवरी 1920 में मराठी में एक पखवाड़े की शुरुआत की थी, और उस साल आयोजित डिस्प्रेस्ड क्लासेस के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कोल्हापुर में शाहू महाराज ने की थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने आत्म सहायता पर जोर दिया कि अपनी खुद की सहायता करो, सेल्फ हेल्प करना सीखो, ठीक है, और अछूतों की मुक्ति के लिए भी कार्य किया इन्होंने। और देखिए, इन्होंने आधुनिक भारत की, उनकी दृष्टि और उनके विचार, सभी अधिकार, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एम के गांधी, इनके निर्विवाद नेता थे, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ये। और 1931 में गोलमेज जो सम्मेलन था, यहाँ पर विरोध मार्मिक रूप से दिखाई दे रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने अवसादग्रस्त वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की,
जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में एमके गांधी ने इसका विरोध किया था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, एमके गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ आमरण अनशन पर चले जाते हैं और अछूतों के लिए निर्वाचन मंडल फिर बाद में प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो है डिस्प्रेस जो वर्ग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। उसके बाद डिस्प्रेस वर्गों के लिए आरक्षण की बात होती है और इस पर सहमति भी जल्दी बन जाती है, जिसके कारण जो एमके गांधी होते हैं वो उपवास को वापस ले लेते हैं, आमरण जो उपवास इन्होंने रखा था उस पर, ठीक है। फिर देखिए 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है। तो देखिए 1936-7 में ये बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 15 सीटें ये जीत लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 15 सीटें जीत लेते हैं, और विश्व युद्ध और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के मांग में राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए और जटिल मुद्दे पेश किए। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में एक अलग पार्टी अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए 5 साल की अवधि में एक वायसराय के परिषद के सदस्यों के रूप में ये नियुक्त हुए थे। उसके बाद बंगाल में संविधान के लिए इन्हें चुना जाता है और विधानसभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करने के लिए एकजुट मतलब एक यूनिटी, ठीक है, यूनिटी एक ऐसी भारत की एक दलील दी इन्होंने। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में तो इन्हें नियुक्त कर लिया जाता है, साथ में ये 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बन जाते हैं और वहां पर दोनों क्षमताओं में उन्होंने भारत के सार्वजनिक सुरक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों के साथ एक स्वतंत्र और समतावादी ढांचे की परिकल्पना का निर्माण भी करते हैं और उसको बचाव भी करते हैं, उसको बचाते भी हैं। और भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे उन्हें भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के लिए वंचित और स्वायत्तता के लिए बात करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अम्बेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कमी के कारण संवैधानिक लोकतंत्र की अक्षमता को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए असमर्थता और एक विकल्प के रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है। इसे मैं दोबारा समझा देती हूँ। अंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कमी और संवैधानिक लोकतंत्र की अक्षमता, इन सबको प्रभावी ढंग से काम करवाने के लिए असमर्थता के विकल्प के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से खोज की जो है उन्होंने बौद्ध धर्म में रूपांतरण की, मैंने आपको बताया था ये हिंदू धर्म को त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं एक तरफ उन थिंकर्स दे दिए जाते हैं, साइड में पार्टीज दे देंगे, ठीक है। इस बार हमारे बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इसी वजह से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से पेपर में आपका क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो उनकी मृत्यु अगर हम देखें तो 6 दिसंबर 1956 को लाखों लोगों के शोक में हुई थी, यानी कि जब 6 दिसंबर 1956 में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी शोक यात्रा में लाखों लोग, ठीक है, शामिल होते हैं, ठीक है। और सबको बहुत बड़ा झटका लगता है कि इतनी यूनिक पर्सनालिटी, ठीक है, जो एक तरीके से हम सबके लिए बहुत चीज़ें छोड़ गई, ठीक है, तो वो इस दुनिया से चले गए हैं। इस तरीके से देखिए उन्होंने बड़ी संख्या में लेखन और भाषण भी लिखे थे और इस तरीके से उन्होंने जो कि नागरिक और राजनीतिक जीवन में उनका सब कुछ ये फैला हुआ था, जो सार्वजनिक जीवन था, जैसे कि इसमें देखिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए कट्टरपंथी एजेंडा है। अब देखिए हिज राइटिंग्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकी किताबों की, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और जहाँ पर भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान में इन्होंने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष थे ही, तो संविधान सभा की बहसों में इनके बचाव लिए इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बचाव करने के अलावा बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी, ठीक है, जैसे कि रुपये की समस्या 1923 में, ठीक है, प्रांतीय वित्त के विकास पर इन्होंने डॉक्टर शोध प्रबंध के अलावा ब्रिटिश भारत, ठीक है, और एनिहिलेशन जाति, ठीक है, 1936 में लिखी थी, पाकिस्तान पर विचार 1940 में लिखा था, अछूतों के लिए कांग्रेस ने और गांधी ने क्या किया 1945 में लिखा, कौन थे शूद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, कौन थे शूद्र 1946 में, द अनटचेबल, ठीक है, ये कौन थे और क्यों थे,
ठीक है, और ये अछूत बन जाते हैं 1948 में। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, 1947 में लिखी थी। भाषाई राज्यों पर विचार 1955 में लिखा था इन्होंने। और जो था उनका मैग्नम ऑप्स द बुद्धा एंड धम, ठीक है, ये ऐसी कृति थी जो इन्होंने अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले ही ख़त्म की थी, ठीक है, 1957 में। तो उसके बाद ही ये 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कृति थी ये, और इन्होंने कई लेख लिखे, ज्ञापन प्रस्तुत किए, व्याख्यान भी दिए, और पत्रिकाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी, ठीक है। आइडियोलॉजीज देख लेते हैं इनकी। अम्बेडकर ने उदारवादियों, मार्क्सवादियों और अन्य लोगों से सीमांकन के संदर्भ में खुद को एक प्रगतिशील कट्टरपंथी, अगर हम देखें कभी कभी प्रगतिशील रूढ़िवादी के रूप में भी इन्होंने वर्णित किया, ठीक है। और वे स्वतंत्रता के उत्साही मतदाता भी थे, और देखिए एक सकारात्मक शक्ति और क्षमता के रूप में इनको लोग देखते थे। और लोगों की जो आर्थिक प्रक्रियाएं थी, शोषण था, सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक रूढ़िवादियां थी, आकांक्षाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, पूर्वाग्रह से मुक्त किए बिना एक तरीके से अपनी पसंद बनाने में सक्षम बनाया था, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि जो उदारवाद ने स्वतंत्रता के एक संकीर्ण अवधारणा को बरकरार रखा है, और हाथों में संसाधनों को भारी संचय का सहन किया, और वंचित और शोषण हुआ, देखिए उनका, उन्होंने सोचा कि उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों के बारे में क्या है, असंवेदनशील है, और औपचारिक समानता को बनाए रखते हुए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस सब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर असमानता की अनुमति, इन्होंने देखी कि ये सब चीज़ें तो हैं, देती हैं ये, ठीक है, अनुमति, ये असमानता की अनुमति देती हैं। अब देखिए, उन्होंने तर्क दिया था कि उदारवादी व्यवस्था जो है वो अल्पसंख्यकों की गहरी असमानता, जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यहूदियों में अश्वेता की स्थिति को क्या करता है, छुपाता है, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अंबेडकर ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की थी जिसमें मार्क्सवाद के साथ थे। उन्होंने तर्क दिया था कि दर्शन का कार्य दुनिया का रूपांतरित करना है, जैसे कि मार्क्स ने फेडरबैक पर अपना शोध का सुझाव दिया था। उन्होंने बुद्ध के केंद्रीय संदेश को उसी की मांग के रूप में देखा, वर्गों के बीच संघर्ष और वर्ग संघर्ष सामाजिक रूप से बड़ा है, और ये रिश्ते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। अंबेडकर ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की थी जिस पर मार्क्सवाद के वो साथ थे। उन्होंने तर्क दिया था कि दर्शन का कार्य दुनिया को रूपांतरित करना है। मार्क्स ने फेयरबैक, ठीक है, फेयरबैक पर अपने शोध में सुझाव दिया था या सजेशंस दिए थे, और उन्होंने बुद्ध के केंद्रीय संदेश को उसी की मांग के रूप में देखा, वर्गों के बीच संघर्ष है, वर्ग संघर्ष सामाजिक रूप से बड़ा है, ठीक है, रिश्ते, ये चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छा समाज जो है वो उत्पादन के साधन जो है, ठीक है, उन पर क्या रखेगा, अपना व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व की मांग करता है, ऐसा इन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने खुद के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने मानव एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना समाजवाद की अनिवार्यता की ये होनी चाहिए, इसको खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार नहीं करती है, और राजनीतिक और वैचारिक संस्थाएं निभाती हैं, राज्य को दूर हटने का गर्भाधान करती हैं, एक तरीके से ये बात करती हैं, उन्होंने सत्ता को जब्त करने के साधन के रूप में हिंसा की रणनीति को खारिज कर दिया, ठीक है, और इसे लाने के लिए दृढ़ सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया, यानी कि एक अच्छे समाज की बात की या गुड सोसाइटी की बात की। उन्होंने संघर्ष को शुरू करने और सामाजिक संबंधों को बदलने में संबंधों के परिवर्तनकारी प्रभावों को बताया, इन्हें लॉन्च भी किया, और आगे इन्होंने तर्क दिया कि आदेश केवल एक नैतिक डोमेन को स्वीकार करने करके बनाए जा सकते हैं, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं में प्रमुखता से व्यक्त किया गया है कि वहाँ पर कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 ज़रूर देखें, उसके अंदर हमें इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन जब हमारा NTA UGC नेट में जून में आएगा क्वेश्चन, तो वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जयदेव क्लासेस फॉर GRF इन पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें अच्छे से। थैंक यू।